मित्रों प्रणाम नमस्कार। मैं श्री श्री यूट्यूबर जी महाराज 1008 आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। और मित्रों क्या है कि जो है जस्ट आई वॉज टेलिंग यू दैट इंग्लिश इज नॉट कमिंग टू मी। अच्छा ये आपको भी पता था हमें भी पता था लेकिन फिर भी हमने क्या किया जो है कि वंस अपॉन अ टाइम इन टूडे मॉर्निंग। तो मित्रों अंग्रेजी इज नॉट कमिंग टू मी तो है ही है लेकिन इसके बाद में भी आप सोचेंगे इस पर देखेंगे कुछ हास्यास्पद घटनाएं मैं आपको इससे लिंक करना चाहूँगा कि इन टूडे मॉर्निंग वी वेंट समवेयर। तो क्या किया हमने जो है मिला के बोलूँगा मैं यहाँ पे इंग्लिश हिंदी लिख रखा है मैंने। तो व्हेन आई रीच्ड ऑन टी स्टॉल अब उसके बाद में क्या हुआ तो आई आस्क्ड फॉर टू कप टी। तो मैंने उसको बोला कि जो है भैया आई वॉन्ट टू कप टी। अब उसने क्या किया उसने गाली देते हुए बोला कि तो कप टी तोहर बाप कप टी हम काहे कप टी यहाँ पे। तो मित्रों जैसा कि है कि इफ़ यू आर नॉट अवेयर अबाउट एनीथिंग नॉट अबाउट इंग्लिश ओनली सो दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट प्लीज डोंट ट्राई दैट। अब पब्लिक प्लेस पे तो नहीं करें क्योंकि क्या होगा कि पब्लिक प्लेस पे करेंगे तो बेइज्जती होगी भला अकेले में बेइज्जती होगी तो बेइज्जती भी हम सह लेंगे। अच्छा होता क्या है मित्रों बेइज्जती होगी वो अलग बात है हम लाए ही क्या थे कुछ लाए थे और ना हमें ले जाना है। जैसे एक गाना नहीं है खाली हाथ आए थे तुम खाली हाथ जाओगे दो मुट्ठी के फूल बन के खूब मुस्कुराओगे तो आप ना तो कुछ लेके आओगे और ना लेके जाओगे। ऐसा नहीं है, है जब आप आए थे तो अपना भाग्य लेके आए थे जब जाओगे तो अपना कर्म लेके जाओगे क्योंकि जो आपने पहले किया हुआ था उसको आपको यहाँ भरण करना है। अब दिखता नहीं है कुछ चीज़ें दिखती नहीं जैसे सुदामा को जो है भगवान कृष्ण ने सब कुछ दे दिया उसके बाद भी नहीं दिख रहा था उसी लिए ऐसे आप भाग्य लेके आए हैं। अब वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपको नहीं मिलना होता है और अगर आपके भाग्य में लिखा हुआ है तो वो भाग कर चली आएगी और अगर बहुत सामान रखा होगा और नहीं लिखा होगा तो भाग कर चली जाएगी। तो इसीलिए मित्रों हमारा कहने का मतलब यही है कि आप लोग खुश रहें प्रसन्न रहें और जो चीज़ ना आवे उसको ना बताएं किसी को। तो ये घटना चूँकि सुबह की थी तो इसलिए हमने कहा अब चूँकि गाना भी ऐसे था दो मीठे है नहीं दो मुट्ठी फूल झिलमिलाएंगे तो इसलिए मित्रों दो मुट्ठी फूल जो है दोनों हाथ में करके वो झिलमिलाएँ उसको झिलमिलाइए चमकाइए महकाइए अपने जीवन को भी मुस्कुराइए लेकिन जो ना आए वो ना बोलें। अगर आते हो तभी इंग्लिश बोलें नहीं आता है तो आप डायरेक्टली मेरे लिए मेरे जैसे कह दें आप इंग्लिश इज़ नॉट कमिंग टू मी। अच्छा होता क्या है कि जब आप फ्रेंकली किसी से कहते हो कि इंग्लिश इज़ नॉट कमिंग टू मी तो होता क्या है कि सामने वाला शुरू कर देता है हंसना। अच्छा सामने वाला अगर हंसे अब यहाँ पे एट और विद का प्रयोग होता है इफ सामने वाला इज़ हंसिंग एट यू तो हंसने दीजिए भाई हंसने के लिए तो वीडियो बन रहा है। बट व्हाट सामने वाले को चाहिए सामने वाला शुड लाफ विद यू नॉट एट। अच्छा इंग्लिश इज नॉट कमिंग टू मी तो आप लोग बताइएगा कैसे लगा। बाकी हमारे पास तो भंडार भरा पड़ा है अब हम खोलेंगे धीरे धीरे। बहुत सारे मित्रों का था कि इसमें इंग्लिश चैनल वाला बनाइए अब हम इंग्लिश वाला बनाएंगे इसमें लेकिन अब पहले हिंदी वाला तो चल जाए। जय धन्यवाद।